प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह साल 2023 और E20 ईंधन का किया शुभारंभ। इसका उद्देश्य भारत को एक ऊर्जा अंतरण शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर कारखाने का करेंगे लोकार्पण। ये कारखाना एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। बजट सत्र के दौरान आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है। शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की 6वीं बैठक आज से लखनऊ में आयोजित हुई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CHS की कर रहे हैं मेजबानी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ। जजों की संख्या हुई अब 32। CJ DY चंद्रचूड़ ने 5 जजों की और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। और मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में महामना पालिका प्रकल्प छात्रावास का किया शिलान्यास। न्यास द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क आवासीय कोचिंग दी जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की लखनऊ के नदवा कॉलेज में हुई बैठक। बैठक में देश के हालात, कॉमन सिविल कोड समेत विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कहा, देश का संविधान है सर्वोपरि। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों शोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समिट की तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव लखनऊ महानगर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, ये अमृतकाल का अमृत बजट है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह में लिया भाग। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का आम बजट सर्वहितकारी बजट आया है। और चंदौली में इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, पूरे देश में सबसे अधिक 30% सब्सिडी उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। G20 अध्यक्षता के अंतर्गत यूथ 20 सहभागिता समूह की पहली बैठक आज गुवाहाटी में। इस बैठक में विद्यार्थियों को दुनिया के सामने अपनी राय रखने का मिलेगा अवसर। RBI की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से हुई शुरू। बैठक के नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। और भारत के स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 2022 में आज ही के दिन लता जी का हुआ था निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगीत जगत की अमूल्य धरोहर सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें दी विनम्र श्रद्धांजलि। आगरा में अवैध रूप से रह रहे 32 बांग्लादेशियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी में 17 महिला और 15 पुरुष हैं शामिल। दस दिवसीय फिरोजाबाद महोत्सव का हुआ समापन। महोत्सव का समापन प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। तुर्की के दक्षिण की तरफ सीरिया के सीमा से सटे इलाके में शक्तिशाली भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.9 मापी गई। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक में तालिका में महाराष्ट्र ने 25 स्वर्ण पदक के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर फिर से बढ़त हासिल कर ली है। वहीं हरियाणा दूसरे स्थान पर और मेजबान मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने केन्या महिला ओपन गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। महिला यूरोपीय दौरे पर भारतीय अदिति अशोक ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 900 शॉट्स के अंतर से जीत हासिल की।